नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रायसेन जिला चिकित्सालय में प्रसूताओं की मौत होने का सिलसिला है कि थमता दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें लापरवाही कितनी है। परिजनों ने बताया है कि डॉक्टर दीपक गुप्ता मरीजों को मजबूर करते हैं कि वह अपने नए प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार कराएं, लेकिन ऐसा नहीं होने पर वह लापरवाही पूर्वक मरीजों का उपचार करते हैं और जहाँ तक कि ऑपरेशन की भी गलत करते हैं, जिस कारण से प्रसूताओं की मौत हो रही है। इस मामले में भी उजागर हुआ है कि जहाँ प्रसूता राजकुमारी एनीमिया की शिकार थी और 12:30 पर ब्लड बैंक से ब्लड रिसीव हुआ है, वह इससे पहले दीपक गुप्ता और उनकी टीम ने 11:30 बजे राजकुमारी का ऑपरेशन कर दिया और रक्त की कमी के कारण राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। दर्दनाक बात तो ये है कि बिना पोस्टमार्टम किए ही शव को परिजनों को सौंप दिया गया। के कारण पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। मृत्यु के कारण का आकलन करने के लिए एक टीम गठित करेंगे तथा उसका केस का बारीकी से एनालिसिस करेंगे, तत्पश्चात ही मृत्यु के कारण पर पहुंच सकते हैं। मगर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि महिला पहले से थोड़ी सी एनीमिक थी। इमरजेंसी सिचुएशन आने की वजह से उसका ऑपरेशन किया गया। हो सकता है किसी कारण से रक्त अल्पता की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई हो। प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि रक्त अल्पता के कारण से वो शौक में चली गई, जिसकी वजह से मृत्यु हुई। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।